तेलुगु की टीवी इंडस्ट्री से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल तेलुगु बिग बॉस 7 के विजेता पल्लवी प्रशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर से इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। पल्लवी प्रशांत पर गैर कानूनी तरीके से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा करने और फिर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पल्लवी प्रशांत को शो का विनर अनाउंस किए जाने के बाद उनके फैंस ने कथित तौर पर रियलिटी शो के रनर अप अमरदीप चौधरी की कार पर हमला कर दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक रियलिटी शो जीतने के बाद हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई। अमरदीप अपनी मां और पत्नी तेजस्विनी के साथ घर लौट रहे थे और इस दौरान उनकी कार को कथित तौर पर पल्लवी प्रशांत के फैंस ने घेर लिया और हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में बिग बॉस विनर पर मामला दर्ज किया है। एएनआई के मुताबिक पल्लवी प्रशांत के खिलाफ धारा 147, 148, 290, 353, 427 समेत कई और धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की शामिल दूसरे लोगों की पहचान कर रहे हैं। बता दें कि 17 दिसंबर को ही बिग बॉस तेलुगु 7 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें पल्लवी प्रशांत ने जीत का ताज अपने सर सजाया था। उन्होंने बिग बॉस तेलुगु 7 के विनर के खिताब के साथ 35 लाख रुपए का नकद इनाम भी हासिल किया था। असल में पल्लवी प्रशांत एक यूट्यूबर हैं। वो तेलंगाना के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। शो में पल्लवी की जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है, लेकिन उन्होंने अपनी असली पर्सनालिटी के जरिए दर्शकों का दिल जीता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।